नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज मैं गिरीश पार्क एरिया में आया हूँ। गिरीश पार्क एरिया में बहुत सारे शिक्षक हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, इसीलिए गिरीश पार्क को एजुकेशन हब भी माना जाता है। ऐसे में आज यहाँ पर एक शख्स जो बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हैं कॉमर्स के क्षेत्र में और छात्रों बीच में लोकप्रिय भी हैं, उनका नाम है रतन कुमार मिश्रा जी। आज के समाज में शिक्षक का क्या महत्व है और शिक्षक किस प्रकार अपने विद्यार्थियों को सजेशन देते हैं लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, उनसे बातचीत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है और विधानसभा के इलेक्शन के समय एक शिक्षक राजनेता के प्रति, सरकार के प्रति क्या राय, क्या मांग रखते हैं और क्या सरकार के प्रति क्या उनका दृष्टिकोण है, उन सभी बातों पर आज मैं रतन कुमार मिश्रा जी से बात करूंगा। नमस्कार सर, आपका इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप एक शिक्षक हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में कोरोना काल के वजह से शिक्षा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है और आजकल के शिक्षकों की क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना के वजह से शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट शिक्षा पर ही पड़ा है मेरे नज़र से। अभी तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मोस्टली बंद हैं, तो जो स्कूल्स, कॉलेज से जुड़े हुए शिक्षक हैं वो लोग तो फिर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि उनका पेमेंट वगैरह चल ही रहा है। प्राइवेटली जो पढ़ाते थे वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं और अभी तक सिस्टम यही चल ही रहा है, इफ़ेक्ट कंटिन्यू है। चूँकि केसेस भी बढ़ रहा है तो इसके लिए कोई प्रेशर भी नहीं किया जा सकता, बच्चों को डेंजर जोन में भी नहीं डाल सकते हैं, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है, सर्वाइवल भी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये समझिए मिलाकर चल रहा है। और शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा, ये तो शिक्षक की बात की मैंने, अब अगर शिक्षा के बारे में कहें तो शिक्षा तो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि जानते हैं अभी जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रही है, पेपर आ रहा है, तो बच्चे जानते हैं, बच्चे और वो शिक्षक भी जानते ही होंगे कि बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम खुल के चल रहा है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, देख कर सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो थोड़ी नॉलेज क्रिएट होनी चाहिए थी वो नॉलेज क्रिएट नहीं हो रही है और स्टूडेंट्स अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में, मतलब जब ज़िंदगी उनको सिखाना शुरू करेगी, तब उनको समझ में आएगा कि जो काबिलियत लेकर हमको आना चाहिए था वो हमने लिया नहीं। और फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फिर ऐसे लोग किसी नेता के पीछे खड़े होकर बेरोज़गारी का गाना गाएंगे, क्योंकि रोज़गार के लिए तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप रोज़गार को सिर्फ नौकरी के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं तो अगर आप नॉलेज लेकर जाएं थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जिस तरह का एग्ज़ाम वगैरह है उस तरीके से नॉलेज तो इस साल क्रिएट ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स में। और दूसरी तरफ हम लोग इसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को तो डेंजर जोन में डाला नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन जब एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, न ट्यूशन लेना चाहते हैं, ऐसे स्थिति में शिक्षक कैसे सर्वाइव करेगा? क्योंकि शिक्षक समाज का वो मार्गदर्शक व्यक्ति है जो बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और अपनी जीविका चलाता है। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो शिक्षक पर कैसे स्टूडेंट पढ़ने के आएंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे? देखिए, इसके लिए तो अभी शिक्षक को कुछ दिनों तक तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो, अगर कम भी आता है तो भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को भी अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स के समाज का भी होना चाहिए, उनके गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस शिक्षक के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखा जाए कि जो इसी तरीके से अपने आप को लेकर चलते हैं। और आपको लगता है कि हमारा समाज जो भी है ऑनलाइन के लिए, चाहे शिक्षकों को चाहे हमारे स्टूडेंट हो, तैयार है? देखिए, ऑनलाइन की जो क्लासेस है, अगर बहुत बेसिक लेवल में बच्चा है ना तो ऑनलाइन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल उसके लिए नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर लिया है अच्छे तरीके से, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रोफेशनल कोर्स में गया है तो उसके पास एक बेसिक नॉलेज पढ़ने का आ चुका है, समझ रहे हैं? अब अगर आपके पास एक अच्छी स्टडी लेवल आ चुकी है तो आप उस चीज़ को जब ऑनलाइन देखोगे तो आप उसको ईजिली समझ पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर
ऑनलाइन किसी को दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो बहुत अच्छे कुशाग्र बुद्धि इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो लोग ईजिली उसको टैकल कर लेंगे, लेकिन जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े तो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर के लिए ये आ जाती है कि जैसे हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम लोग के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, एक नॉर्मल वे में हम लोग प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, स्टूडेंट से आमने सामने इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। जब बच्चा सामने पढ़ता है ना तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो टीचर कुछ ऐसा क्रिएट करता है, जोक क्रिएट कर दिया या कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन दे दी जिससे कि उसका इंटरेस्ट बना हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ थोड़ी कम हो पाती है, तो बच्चा उसमें पढ़ना चाहे नहीं चाहे टीचर को उतना मतलब नहीं रहता है, वो जनरली क्या करता है अपना क्लास कंटिन्यू कर लेता है। अगला प्रश्न आपसे ये है सर कि चूंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का दौर चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, किसी मोहल्ले, किसी चाय दुकान, किसी रास्ते पर जाइए, हर जगह सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही है और मुख्य रूप से दो मुद्दे हो रहे हैं कि लोग में ये आम बात हो गई है कि खेला होवे कि विकास होवे, दीदी आएगा कि दादा आएगा, ऐसे माहौल में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या होगा इस बार? देखिए, दीदी या दादा का तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पर पश्चिम बंगाल में काम हुआ है तो वहाँ पर लोग जो है दीदी दीदी ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहाँ पर आप जाइएगा वहाँ तक चीज़ें अभी नहीं पहुँची हैं, ठीक है, वहाँ सुविधाएँ नहीं आई हैं या वहाँ के लोग सरकार से खुश नहीं हैं, तो वहाँ पर तो लोग दादा दादा करेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोगों के लिए यही सही रहेगा कि हम लोग इंतज़ार करें 2 तारीख का, उस दिन जो आएगा तो वो चीज़ें देखी जाएगी। और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि विकास होबे कि खेला होबे, तो देखिए जो खेला होबे वर्ड चल रहा है ये तो बहुत सारे मजाक बन गए हैं, इस पे मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं, और विकास की बात अगर करूँ मैं तो कोई भी सरकार है सर, मेरे हिसाब से सरकार किसी की भी हो, ये जो बेसिक चीज़ें हैं सड़क, बत्ती, पानी, ये हर सरकार करेगी, ये सबको समझ में आता है। लेकिन दिमाग में एक बात ये भी आती है कि ये जो विकास मिल रही है वो किन मूल्यों पर मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विकास के पीछे कट ऑफ मनी ज़्यादा चल रहा है, तो अगर ये करप्शन वगैरह है तो थोड़ा उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए, समझे। और अगर आप हमको हम ये आपको कोई न्यूज़ देख के नहीं बता रहे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सेल्फ, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं कि हम लोग भुक्त भोगी हैं, समझे। जैसे एक प्रमोटर ने हमको फिनांशियल ट्रैप कर लिया तो मैं उसमें फंस गया, अब जब मैं बात किया लोगों से या उसके खुद के पार्टनर से तो उसने हमसे कहा कि आप किसी नेता के पास जाइए सेटलमेंट करेगा। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि ये जो हो रहा है काम, इस तरीके का फिनांशियल ट्रैप या कोई प्रमोटर कुछ इस तरीके का आम आदमी के साथ कर रहा है, वो आदमी किसी के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अपने दम पे नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है उसके पीछे उसका कोई बाबूजी बैठा होगा और वो जो होगा वो विपक्ष का तो होगा नहीं, सत्ता पक्ष का ही होगा। तो इसके कारण क्या है कि अब मेरे जैसे जो लोग हैं, मान लीजिए तो मेरे जैसे लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं और देख रहे हैं कि क्या कंडीशन में फंसे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये बोलेंगे कि थोड़ा सो इस बात पे भी गौर होना चाहिए। आप विकास विकास कर रहे हैं लेकिन विकास के पीछे जो करप्शन चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, और विकास तो कोई भी सरकार आए वो करेगी ही, ये तय है। और ये भी तय है कि इतनी बड़ी आबादी है सर, हर व्यक्ति को कोई भी सरकार संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं तो मैं आपसे शॉर्ट में पूछना चाहूँगा कि आप परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? देखिए, मन में एक बात आई हमारी कि जवां हैं आप तो कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए, और जुल्म अगर हद से बढ़ जाए तो सरकार बदलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए सरकार बदल जाती है, तो सरकार बदल जाती है तो मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर मान लीजिए सरकार बदलती है तो जो सरकार के लोग अभी हैं उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि इसका मतलब बहुत सारे लोग हमसे संतुष्ट नहीं थे, हमने लोगों के साथ शायद गलत किया है इसलिए बदला है। और अगर नहीं बदलता सरकार, मान लीजिए मेरे जैसे जो पीड़ित लोग हैं वो कम है, ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिली हैं, तो हो सकता है कि सरकार ना भी बदले। तो सर तो अब इस किसके पक्ष में है, दीदी के दादा पक्ष में? मैंने तो कहा सर कि हमने अपना ओपिनियन दिया है,
अगर मान लीजिए मेरे जैसे पीड़ित लोग बहुत सारे होंगे तो सरकार बदल जाएगी, और अगर मान लीजिए कि पीड़ित लोग कम हैं, अभी अन्याय कम लोगों पे हुआ है और ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिली हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार रहेगी। अच्छा, चूँकि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी के समय इलेक्शन के समय भाषा पर किसी भी नेता का कंट्रोल नहीं है, TMC के प्रति भी BJP वाले लोग गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं और TMC के लोग भी BJP प्रति गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब इलेक्शन का समय आता है तो भाषाएं थोड़ी बहुत कंट्रोल में नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर जो लोग शिक्षित रूप से हैं वो लोग, अगर आप उन लोगों की भाषण सुनिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इनकी भाषाएँ जो है वो मर्यादित हैं, और बहुत सारे लोग हैं फ्लो में कुछ अमर्यादित भाषाएं भी बोल देते हैं, कुछ बातें होती हैं व्यंग्यात्मक होती हैं, तो व्यंग्यात्मक फिर भी अगर मर्यादा में है तो ठीक है। जैसे आप मोदी जी को भाषण देते हुए सुनते हैं तो थोड़ा व्यंग्यात्मक करते हैं, दीदी ओ दीदी, तो वो ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर उसको गलत सेंस मिले तो अलग बात है, नहीं तो लगता है कि थोड़ा, जैसे इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तंज कसना, ठीक है कि जैसे थोड़ा मज़े में बात किया जा रहा है, ठीक है, और बुरा लग सकता है किसी को भी। दूसरी तरफ जैसे दीदी भी बात करती है तो उनका भी तरीका है, नड्डा चड्डा गड्ढा ये सब बोलते हैं, राखो साछे और जग्गा बिल्ला, ये सब वर्ड यूज, रंगा बिल्ला, तो ये सब जो शब्द यूज़ करती है, तो जैसे आप व्यंग्यात्मक बोलते हैं तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन अगर ओपनली आप शब्दों का गलत चुनाव करते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है ऐसा, लेकिन दीदी जब बोलती है तो वो बड़ा क्यूट लगता है नड्डा चड्डा गड्ढा, तो वो अच्छा है। चलिए, ओके, पहला बहुत 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 धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप कॉमर्स के टीचर हैं, परंतु आपके बातचीत से लग रहा है कि कॉमर्स का तो बात नहीं लग रहा है, लग रहा है कोई एक सारहाना अंदाज में बात करने वाले कोई हिंदी के अच्छे टीचर, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, टीचर तो हम कॉमर्स के ही हैं, कॉस्ट टैक्स अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन वो जो कॉमर्स है वो दिमाग में है। हमारे फादर हिंदी के शिक्षक रहे हैं तो दिमाग में कॉमर्स है लेकिन खून में हिंदी बसा है, तो दो चार लाइनें लिख लेते हैं, कभी दो चार कविताएं भी कर लेते हैं, इसलिए जो मन में आया वो हमने अपना विचार आपके सामने रख दिया। गिस पार्क के क्षेत्र के रतन कुमार मिश्रा जी से मैंने बातचीत की, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी और भी इस इलाके में बहुत सारे शिक्षक हैं उनसे बातचीत करता हूँ, उनकी राय लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, और अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।